के उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। वहीं इस मामले में चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आंगनबाड़ी केंद्र से 62 पेटी शराब किया जब्त। छापेमारी के दौरान संचालिका हुई फरार। मतलबपुर आंगनबाड़ी केंद्र से शराब बेची जा रही है। इस पर अभिनव कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम तैयार की गई, वहाँ के लिए प्रस्थान किया गया। 12 बजे वहाँ जांच किया गया। वहाँ एक बंदे खाना के अंदर से 62 पेटी शराब जो है बरामद किया गया। आंगनबाड़ी संचालिका की मिली भगत है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में तहखाना के निर्माण का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये जांच के अंतर्गत। बाढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं मौके से 3 किलो गांजा और पल्सर बाइक भी किया जब्त। जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तलवार से हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को 7 वर्षीय बच्चे की तलवार से गला काट कर की गई थी हत्या। मधुबनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 कार्टून शराब के साथ बोलेरो चालक को किया गिरफ्तार। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने कहा कि अब शराब कारोबारियों की खैर नहीं। मोकामा के हाथीदह रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी टाटा दानापुर एक्सप्रेस। मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रेन ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। यात्रियों में मचा हड़कंप। झारखंड के जमशेदपुर में खारिफ मौसम धान की प्राप्ति केंद्र का किया गया उद्घाटन। झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया उद्घाटन। खरीद केंद्र खुलने से स्थानीय किसानों को मिलेगी सुविधा। झारखंड के सरायकेला में फिट एंड फैट सेंटर में क्रिसमस का किया गया आयोजन। फिटनेस सेंटर में जुम्बा डांस करते हुए लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूटपाट के एक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई, लेकिन आरोपियों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस का किया विरोध, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में संथाल परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरना धर्म आदिवासियों का धर्म है और यह प्राचीनतम धर्म है।